खबर, उत्तर प्रदेश कानपुर से नोबल एकेडमी फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग और आपदा प्रबंधन कानपुर द्वारा कानपुर एडेबल्स प्राइवेट लिमिटेड में अग्नि सुरक्षा विषय पर एक परीक्षण व मार्क ड्रिल आयोजित की गई। शिविर का शुभारंभ प्रबंधन निदेशक मनोज गुप्ता ने किया। मनोज गुप्ता ने बताया, आग से होने वाला नुकसान राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान है, इस आग से बचने की जानकारी सभी को होना चाहिए। प्रशिक्षण एक्सपर्ट के रूप में आपदा प्रबंधन कानपुर के मुख्य प्रशिक्षण लखन शुक्ला ने बताया, ड्रिल के दौरान कल्पानी केमिकल की आग का वास्तविक फायर फाइटिंग किया गया, जिसमें कंपनी की फायर सेफ्टी टीम, रेस्क्यू टीम, प्राथमिक उपचार टीम व साइट सेफ्टी टीम ने अपना प्रदर्शन किया। लखन शुक्ला ने बताया कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग मार्क ड्रिल के माध्यम से करते रहना चाहिए, जिससे उपकरणों की क्रियाशीलता पता चलती रहे। लखन शुक्ला ने बताया, किसी घटना के तीन कारण लापरवाही, अनियमितता, जल्दबाजी है। शुक्ला ने बताया, आग ऑक्सीजन, ईंधन, उच्च ताप से के मिलते से ही लगती, इन तीन तत्व में किसी एक को कम या हटा दे तो आग पर काबू पाया जा सकता है। साफ सफाई को सुरक्षा से गहरा संबंध है। आग को बुझाने की दृष्टि से पांच भागों में बांटा गया। पांचों प्रकार की आग के बारे में बताते हुए फायर सिलेंडर, फायर पंप, ब्रीडिंग ऑपरेटर, फायर हाइड्रेटेड मॉनिटर आदि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर वहाँ प्रबंधक मनोज शर्मा, मनोरंजन सिंह, अभिषेक मिश्रा, यश मेहता, मिराज अहमद, पी के सिंह, अग्नि सुरक्षा दल के साथ सुरक्षा कर्मी आदि उपस्थित रहे। सर, आपका नाम क्या है? मैं लखन शुक्ला, मुख्य प्रशिक्षक आपदा प्रबंधन कानपुर नगर। आज यहाँ पर कानपुर एडवेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मयूर की फैक्ट्री है, मयूर की रिफाइनरी है, यहाँ पर केमिकल फायर पर एक मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया है कि यदि केमिकल की फायर होती है तो किस तरह से उसको जाना है। सर्वप्रथम उसमें जो है हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया, और उसके बाद हम लोगों ने AFF फोम का प्रयोग किया, मॉनिटर चलाया और चला करके रोज केमिकल की आग को कवर किया। और लोगों को ये भी बताने का प्रयास किया गया है, आग से देश का नुकसान होता है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, इसलिए आग के प्रति हम सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।